थाने के अंतर्गत आने वाले खजुआ कला स्कूल में छात्र को टीचर ने बेरहमी से पीटा। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने किया मामला दर्ज, जांच हुई प्रारंभ। छात्र के साथ मारपीट वायरल वीडियो में पुलिस ने की FIR दर्ज। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हाई सेकेंडरी स्कूल खजुआ कला का है पूरा मामला। हम आपको बता दें, रीवा में आज सुबह से ही शिक्षक का स्टूडेंट के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि बताया जा रहा है शिक्षक और स्टूडेंट आपस में रिश्तेदार भी हैं। यह तो पुलिस जांच के बाद ही तय हो पाएगा मामला क्या था। फिलहाल शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया रीवा पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए। रीवा जिले के गुड़ तहसील अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल खजुआ कला में शिक्षक संदीप भारती कक्षा 8 को छात्र को किस तरह बेरहमी से पिटाई कर रहा है साफ तौर से वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है। यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए संदीप भारती को पीटने वाले शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए संदीप भारती के घर वालों से बातचीत करने के बाद शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद रीवा SP नवनीत भसीन ने थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए थे। गुड़ थाना प्रभारी छात्र के घर पहुंचे, छात्र के परिजनों से बातचीत की। परिजनों से बातचीत करने के बाद उन्होंने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया, वीडियो वायरल मामला संज्ञान में आया है। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज करने का काम कर लिया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के बाद लड़के के घर वालों से बातचीत की। घर वालों से बातचीत करने के बाद हमने FIR दर्ज कर ली है, कुछ यह कहना है पुलिस अधीक्षक रीवा का। शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, सबसे बड़ी बात यही है और जानकारी जुटाई जा रही है। आखिर शिक्षक ने स्टूडेंट के साथ क्यों मारपीट की? बताया जा रहा है जिस शिक्षक ने स्टूडेंट के साथ मारपीट की वह उसका रिश्तेदार भी है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी निकल कर आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थाना अंकुल अंतर्गत एक शिक्षक द्वारा एक बालक को मारपीट का वीडियो संज्ञान में आने के बाद तत्काल थाना को निर्देशित किया गया। लोगों ने संपर्क किया बालक के परिजनों से और संपर्क करने के पश्चात FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज करने के पश्चात अभी उसको ऐसी कोई गंभीर चोटें नहीं है। बच्चे के संपर्क में है हमारे थाने के स्टाफ और जिन टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है वो भी वहीं आसपास रहने वाले हैं, उस विद्यालय में पढ़ाते हैं। और इस संदर्भ में भी और हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि घटनाक्रम पूरा ऐसा क्यों घटित हुआ, क्या विषय ऐसा आया था।